टू अलकायंस व्लॉग। यार मैं पागल जैसी लग रही हूँ, थोड़ा इग्नोर कर देना। बाकी यार मैंने ना ऐसे तेल वेल लगा के रखा है, बाल देख रहे हो, तेल वेल लगाया है। आज शैम्पू करूँगी मैं, और आज है ना मैं बनाने वाली हूँ बेबी कॉर्न। तो सबसे पहले फ्रिज में देखते हैं कि जो सामान मुझे चाहिए वो है कि नहीं। कॉर्नफ्लावर चाहिए, कॉर्नफ्लावर का डब्बा ये देखो, दो टो है यार, आराम से बन जाएगा। खाना लेने सबसे पहले मम्मी ने ऐसे आटा उसन कर रख दिया है, और अभी गर्मा गर्म फलका और सब्जी बनाएंगी। तो चलो दिखाती हूँ खाने में क्या है। ये क्या है मम्मी? खीर है ये। तो ये मम्मी ने खीर बनाया है, और मेरे लिए कम चीनी का खीर बनाया है अलग से कटोरी में। ये शायद इलायची विलायची डाला है क्या ऊपर। एंड ये है आलू की सब्जी, आलू दम जैसा लग रहा है मम्मी, आलू दम जैसा लग रहा है। मिर्चों की सब्जी, और ये शिमला मिर्च की सब्जी, और साथ में खीर वीर बनाया है। आज क्या कोई स्पेशल दिन है क्या, इतना स्पेशल खाना बनाया मम्मी? तेरे लिए बनाया। मेरे लिए बनाया? ओ मेरे लिए बनाया। घी लगाते हुए, घी बहुत अच्छा है। घी अच्छा लगा? हाँ। और ले आना। ओके मस्त आई। रेडी है तो तोता के लिए भी मैं लेकर जा रही हूँ अमरुद। लगा दिया मैंने खाना, तो खाने का मन है बाकी अचार यार, नया वाला खाने का मन था, बट ये खुल नहीं रहा है मुझसे। मम्मी आएंगी ना तब बोलूँगी। तोता के पास तो अमरुद ऑलरेडी है, तो उसका अमरुद जो है ना मैं ऐसे साइड पर रख देती हूँ। चलो मैं खाना जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाकर आती हूँ फिर। मैं आ गई हूँ नहाकर। यार एक प्रॉब्लम हो गई है मुझे ना, बेबी कॉर्न बनाना, लेकिन शिमला मिर्च का मम्मी ने सुबह सब्जी बना दिया। अब शिमला मिर्ची है ही नहीं घर पे, और जैप्टो वगैरह कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। पता है इधर ही ऐसा हो गया, आंधी तूफान चल रही है मस्त, और आप बादल देख सकते हो, हम भयानक बारिश आने वाली है। इस वजह से क्या है ना, ऑनलाइन डिलीवर भी नहीं हो पा रहा है। मतलब मैंने पूरा ट्राई किया स्विगी जीनी वगैरह। शिमला मिर्ची के यार बेबी कॉर्न बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्या, बट फिर भी मैं सोच रही बनाऊँ, क्योंकि शिमला मिर्च का क्या है, बट टेस्ट समझ नहीं आ रहा मुझे। और अचानक से भगवान ऊपर से शिमला मिर्ची टपका दे यार, मैं खुश हो जाऊंगी। सब कुछ सामान है पर शिमला मिर्ची नहीं है, और बारिश आने लग गई है नहीं। शिमला मिर्ची का सब्जी बनाने के लिए पापा क्या ले आएगा? मम्मी हमको बनाना है शिमला मिर्ची का कुछ, बेबी कॉर्न बनाना है यार। यार पानी पानी आने लग गया है, भगवान यार बारिश तो बिल्कुल मत दो। गंदी खाना खा रही है, खुद काला धागा पहनी हुई है देखो, बट मेरे काला धागा जो है तोड़ दी, टॉफी तोड़ दी उसको। हाँ बांध दो बांध दो। इसके पिंपल कितना बड़ा हो गया देखो, टॉफी पिंपल दिखा अपना। काला धागा पहनाते हुए मम्मी ढीला बांधना नहीं है हमको, ढीला अच्छा नहीं लगता, थोड़ा टाइट होना चाहिए बस। हाँ काफी काला धागा बांध दिया, अब नजर नहीं लगेगी क्या मम्मी? जा रहे बेबी कॉर्न बनाने, मम्मी सामान निकाल कर मुझे दे देंगी। हो गया बहुत तेज, अब पानी जम जाएगा। क्या पानी, पानी कोई भी फिसल सकता है। अरे कॉर्न देखो, बेबी कॉर्न, चलो हमारा कॉर्न, तो चलो इसे काटेंगे बेबी कॉर्न को। बेबी कॉर्न है उसको हम लोग कैसे काटेंगे देखो, ये शेप में ऐसे काटेंगे, कटते हुए दिखा देगा देखो, ये शेप में काटेंगे। डायमंड कट में बेबी कॉर्न को कट कर दिया है, देख सकते हो आप लोग। तो मैंने आपको दिखाया कि डायमंड शेप में कैसे कट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग बॉईल करेंगे। पहले पानी लेना है और इसे बॉईल करना है ना। कॉर्न को हमें पानी में डाल देना है। कॉर्न को मैंने पानी में डाल दिया, इसे एक मिनट के लिए हमें बॉईल करना है, ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करना है, ताकि हमारा बेबी कॉर्न जो है वो क्रंची बने। तो चलो थोड़ा बॉईल होने दो इसे। और बहन दोनों चले गए हैं और मैं अकेले बची हूँ। हाँ मैं फ़ैन ऑन करके खाना बना रही हूँ। मतलब यार फ़ैन ऑन है और मैं गैस पे चढ़ा दी हूँ, मेरी बहन चालू करके चली गई। उफ उफ। तो गाइस हो चुका हमारा बेबी कॉर्न बॉयल, अब हम इसे निकालेंगे ऐसे। हाथ गर्म में हाथ में रख देना, अब इसको ऊपर रख, नीचे रख, वहीं पे नीचे रख। हाँ बोलो। सो गाइस टोपिया में मैंने ऐसे बेबी कॉर्न को डाल दिया है, इसको आप ठंडा करके डालना, मेरा तो ऑलरेडी ठंडा हो गया। आटा है, आटा है तो नमक का है, तुम आटा दे दियो। नीचे है
एक मिनट दिखाओ। नमक की जगह इसने आटा दे दिया, अभी मेरा जो बेबी कॉर्न है ना वो पूरा सर्वनाश हो जाता, इस वजह से उसको मिलेगा चाटा चाटा चट। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नो गॉड प्लीज नो नो। मैं थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा काली मिर्च है तो ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। देखो हाँ मैंने कर दिया है, पर निकाला नहीं है, बहुत ही जल्दी था मम्मी को जाने का। थोड़ा सा ये डालेंगे, अच्छा मैंने ऐसे पेस्ट डाल दिया है, चिली पेस्ट ऐड करेंगे, लेकिन मेरे पास है ना ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो मैं यही ऐड करूँगी। तो आपके पास भी अगर चिली पेस्ट ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देना। भाई तो अच्छे से इसको मिला लेंगे सब कुछ। देखो सो गाइस, इसमें हम लोग कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे ताकि इसकी कोटिंग जो है आप देख सकते हो, इसकी कोटिंग हो सके। तो इसको अभी हम लोग को फ्राई करना है तो उसके लिए हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। तू क्या गिरा गिरा के तुम डाल रही है बता। कुछ इस तरीके से कॉर्नफ्लावर को हम लोग मिलाएंगे। देखो आपको इतना कॉर्नफ्लावर डालना है ताकि ये अच्छे से कोट हो पाए, तो कोट हम लोग इस तरीके से करेंगे। कॉर्न को मैंने अच्छे से कॉर्नफ्लावर से, देखो कॉर्नफ्लावर से अच्छे से कोट कर दिया है। अब इसको हम लोग फ्राई करेंगे कढ़ाई में, इसको हमें फ्राई करना है ना कॉर्न को, बेबी कॉर्न से कोट करना है। मतलब बेबी कॉर्न दिखना नहीं चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि कॉर्नफ्लावर से ये पूरा ढक चुका है। तो आप देख सकते हो मेरा बेबी कॉर्न नहीं दिख रहा है, कोट हो चुका है अच्छे से, जो है वो गर्म हो रहा है। तो हमारा बेबी कॉर्न को हम लोग फ्राई करने वाले, तो टेम्परेचर जो है वो हाई रखना आप लोग भी, हाई फ्लेम में मैं कर रही हूँ और मुझे काफ़ी डर लगता बट फिर भी उछल नहीं रहता। तो हम ऐसे बेबी कॉर्न को ऐसे डाल देंगे वरना ये सब कुछ टूट जाएगा। 2 मिनट बाद इसको, 2 मिनट हो चुका है तो मैं ये ऐसे इसको पलट दूंगी। देखो आप लोग फ्राई कर लेना, 2 मिनट बाद देखो इस तरीके से कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर हुआ है। तो आप लोग 2 मिनट ही बस फ्राई करना ताकि क्रंची बने, ये देखो क्रिस्पी बने। कॉर्न सॉस बनाने की तैयारी, यहाँ पे मम्मी बेबी कॉर्न को अच्छे से फ्राई कर रही है। देखो बाकी मैं यहाँ पे सॉस बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने चढ़ा दिया है और हम इसको हाई फ्लेम में रखेंगे। हमें चाहिए विनेगर, अब हो गया। हम ऐसे डायमंड शेप में हरी मिर्च को काटेंगे पतले पतले और फिर इसको डाल देंगे। हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे और हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे ताकि जितना भी मॉइस्चर है हरी मिर्च अदरक का सब निकल जाए। थोड़ा हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालो बस। तो मेरे पास चिली पेस्ट नहीं है तो मैंने लाल मिर्च डाल दिया है इसमें। इसमें विनेगर ऐड करना है, वाइट विनेगर जो आता है, और थोड़ा सा नमक ऐड करना है। बाप रे, आधा चम्मच हमें नमक ऐड करना है, मम्मी ने गिरा दिया। करना है टमाटो सॉस, बस 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 सॉस ऐड कर दिया है। हल्का सा हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा डालो, चलो थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर दिया और सोया सॉस मम्मी ने लिया है, सोया सॉस थोड़ा ऐड करेंगे इसमें। हाँ डालो, तो थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया हमने। ऐड करने के बाद आप वेजिटेबल्स वगैरह डाल सकते हो, मेरे पास कोई वेजिटेबल है नहीं, शिमला मिर्च वगैरह, तो मैं ऐसी बना रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने इसमें, ज़्यादा पानी ऐड मत करना, थोड़ा सा ही करना। ये देखो मैं सलाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करना होगा, देखो मैंने भी किया ताकि ये थोड़ा हमारा ग्रेवी जो है वो मोटा हो जाए, क्योंकि हम ड्राई बेबी कॉर्न बना रहे हैं। तो हमारा जो सॉस है वो काफ़ी थिक हो गया है कॉर्नफ्लोर ऐड करने से, और अब हम क्या करेंगे कि हमारा बेबी कॉर्न इसमें मिक्स कर देंगे। देखो प्लेट में मैं निकाल दे रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से मिल चुका है, यम्मी। अच्छा तो फिर हम और ग्रेवी निकाल उसमें से। हमारा बेबी कॉर्न जो है वो बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हो कितना क्रंचीनेस और कितना टेस्टी लग रहा है ये। हाँ हाँ हाँ, क्या स्मेल आ रहा है यार, तुम भी सुनो मस्त। अच्छा बेबी कॉर्न चाह रही हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए, पहली बार बेबी कॉर्न बनाया, बेबी कॉर्न भोग लगा देते हैं, पहली बार बनाया भगवान, आप खा के बताओ कि कैसा बना है।
असल ना मैं कटोरी लाना भूल गई थी तो काकी को टेस्ट कराने जा रही हूँ। मैंने इसमें बेबी कॉर्न ले लिया है तो चलो। यहाँ से गेट खुलेगा या खुला है? बंद है, बंद है। खोलते हुए काकी सो कर उठी, ऐसा लग रहा सोए हुए थे क्या? हम बेबी कॉर्न बनाए, टेस्ट करिए। ग्लास में कौन? अरे मेन कटोरी हमने ऊपर से नीचे से ले जाना भूल गए, ऊपर कटोरी था नहीं ना, तो मम्मी बोली ग्लास बच्चे ग्लास में जाके दिया। तो फिर हम हाथ से ही खाएंगे। ठीक है, हाई खाई हाथ से खाई। ग्लास में दोगे तो हम फोक क्यों लें? हाँ 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 तुम बनाएंगे? हाँ अच्छा, तुम्हें एकदम ओरिजिनल बेबी कॉर्न लग रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो काकी को भी काफी गाना सुनाएंगी। हाँ सोचिए सोचिए, सुनाने वाली काकी। तो काकी आ रही है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो? हाँ हैं। हाँ सुनाएंगी, थोड़ा तेज गाइएगा क्योंकि मेरे पास स्पीकर तो नहीं है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं पहले गाना, पहले गाना बनता है। हाँ नहीं पहले गाना, ठीक है गाना। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसा आता वैसा सुना सकते हैं। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तालियां। थैंक यू सो मच। ओके बताएंगे कैसा बना है? अच्छा बना, तो क्रंची है तो बता रही है। मस्त बेबी कॉर्न लग रहा है तो पूरा सो बहुत ही अच्छा बना। मैं मेरी फेवरेट जगह है खाने की, क्या तो मैं यहीं पे टेस्ट करके बताऊंगी आपको। मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना टेस्टी मैं बना सकती हूँ यार, बहुत बहुत अमेजिंग है और साथ में क्रंची भी है यार, इतना सच में मैंने बनाया है मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो आप लोग भी मेरा रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बेबी कॉर्न बनाना, बहुत ही यम्मी बना है, तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करना। तो बारिश वारिश रुक गया और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, देखो देखो पूरा बादल अच्छा हो गया, ब्लू ब्लू आ रहा है। आलस खा पी के अब सो रहा है वो, सो जा। ठंडी में लगी हुई है, पापा यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। लगे पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। तो लव यू गाइज, यू गाइज आर ऑसम। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।